Assalamualaikum, welcome to my new video. और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ईद स्पेशल रेसिपी बोंग पाई। और जी, इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने जो था पाए को पीसेस कर लिए थे उसके, और गोश्त की बहुत अच्छी तरह से सफाई की थी। तकरीबन 2 से 2.5 किलो जो था ना, नहीं 2.5 किलो से 3 किलो के करीब ये गोश्त था और बोंग का, और इसके अलावा पाया था जिसके मैंने पीसेस कर लिए थे। और इसकी बहुत अच्छी तरह से सफाई करके जो है वो, दो तरीके थे, या तो आप इसकी पहले बोंग की और पाए की अलग अलग धुल निकाल लें, और लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ मसाला बना कर जो खाना, ये देखिए हमें पीसेस में मैंने कवर से कट ले लिया था, और मैंने ऑयल में लहसुन अदरक का थोड़ा सा पेस्ट डालकर, तो फिर मैंने जो था उसमें सारा मसाला बना के, तो एक ओवरनाइट के लिए मैंने ये रख दिया था पकने के लिए। और उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, शोरबा बहुत अच्छा बनता है, और जिसे कहते हैं जी कि हाथ जुड़ते हैं और होंठ भी जुड़ते हैं खाते हुए, इतना मज़े का शोरबा बनता है। तो मैंने इनकी यखनी अलग से नहीं निकाली थी, मैंने इनमें सारे मसाले के साथ जो है वो पकना रख दिया है। अब ये आप देख सकते हैं कि मैंने तेल में थोड़ा जो था वो लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, और अमूमन वैसे जब हम पाए बनाते हैं तो मैं उसमें लहसुन अदरक नहीं डालती, सिर्फ जो है वो ऑयल में फ्राई करके तो मसाला बनाती हूँ। लेकिन अभी मैंने इसमें डाला है, इसमें मैंने 4 मोटी इलायचियाँ डाली हैं, और जो था फिर इसमें मैंने ये मोटी इलायची शामिल करने के बाद लौंग डाले हैं, और शामिल कर दी है हल्दी, नमक, मिर्च और सूखा धनिया। सिर्फ ये 4 चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं। प्याज जो था वो पहले से ही जो था मेरे पास उसका पेस्ट बना हुआ था, तो मैंने वो डाला है। नहीं तो आप जो है वो पहले प्याज फ्राई कर लें और फिर बाद में उसको जो आप ग्राइंड करके तो फिर डालें इसमें। तो बस ये 4 चीज़ें थी, नमक, मिर्च और सूखा धनिया, हल्दी। ये 4 चीज़ें जो है वो इसमें ऐड करके मसाला बनाया, और फिर मैंने इस मसाले में गोश्त को पहले जो था वो अच्छी तरह से, देखिए कि मिक्स किया है, और फिर इसके अंदर मैंने जो था वो सारे, पहले गोश्त को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद सारे फिर जो मैंने पाए के पीसेस किए हुए थे वो डाले हैं, उनको मिक्स किया है अच्छी तरह से, इनको पहले भुना है। चमचा इस टाइम में हिलाना बहुत बढ़िया का काम होता है, अच्छी तरह से इसको भूनना, हर चीज़ को अच्छी तरह से इसे पलटाना। तो ये जी तेल इसने छोड़ना शुरू किया है, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा जो था ना वो पानी भी डाला, और फिर इसको और अच्छा भूना थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के। बड़ी ईद आने वाली है, और ये जो है एक बेस्ट रेसिपी जो है वो सबसे इजी मैं आपको बता रही हूँ। इसमें टमाटर, दही और पता नहीं क्या क्या डालते हैं लोग, लेकिन ये बेस्ट सिंपल सिंपल रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और बिल्कुल कुछ ज़्यादा मसाले जाते हैं कुछ भी नहीं ज़्यादा, और सिंपल तरीके से जो है वो मैंने थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया और इसको भुना, और फिर मैंने इसमें जो था वो इतना पानी डाला कि जिसमें ये ओवरनाइट जो है वो पकते रहें। फिर मैंने साथ साथ जो था वो चमचा हिलाती रही हूँ, इसलिए अब ये मैं रात में जब जब थोड़ा सा उठा और चमचा हिलाया तो ये आप देख सकते हैं इसे किस तरह तेल छोड़ दिया हुआ था, और फिर इसमें से ना सारी जो थी वो हड्डियाँ जितने भी थे, हड्ड नली वगैरह जो रखे हुए थे ना, वो सब जो थे वो अलग कर दिए थे, उन्हें बाहर निकाल दिया था। नमक मिर्च आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ही रखनी है, तो चूंकि ये मैंने ज़्यादा बनाया है इसलिए
इसमें हर चीज़ का हिसाब, मतलब 4 प्याज डाले हैं, उस हिसाब से नमक मिर्च जो थे वो ज़्यादा थे, सूखा धनिया ज़्यादा डाला था। शोरबों में अच्छा लगता तो ये बिल्कुल सिंपल एक बड़ा अच्छा सा टेस्ट रहते हैं। अभी इसमें शोरबा ये पतला है आप देख सकते हैं, तो इसके मैंने जब सारी हड्डियाँ वगैरह बाहर निकाल दी थी और बस इसमें सिर्फ गोश्त है, तो मैंने इसके बाद में शोरबा को और कर लिया था। और इसकी जो सारी आप मीखें देख सकते हैं वो निकाल ली थी एक प्याली में, सारी मीखों को निकाल लिया था और हड्डियाँ बाहर निकाल दी थी, क्योंकि अब उनका कोई काम नहीं था, ये मैंने अब साइड पर कर दी थी। और ये मीख थी, अब ये मीख जो थी वो हर कोई अगर नहीं भी लाइक करता, तो फिर ये था कि मैंने मीख को अलग से शोरबे में करके तो किया था। अभी भी ये शोरबा पतला है जिसको मैंने बाद में और गाढ़ा किया है। आपका अपना टेस्ट है कि आपको पतला शोरबा चाहिए, थोड़ा सा गाढ़ा चाहिए। तो फिर ये फाइनली मीख वाला बाउल है जिसमें मैंने थोड़ा सा शोरबा डाल के, फिर जिसको जितनी ज़रूरत थी उसने अपनी प्लेट में डाला, ये जिस तरह से भी ये फाइनल एक लुक जो है वो बोंगी रेडी है। और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। इसमें मैंने गरम मसाला भी डाला जिसको मैं बताना भूल गई हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।